हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुरभि माथुर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग लेने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक वाला टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको बताया नॉस्टॉक की डिफरेंट स्पीशीज के बारे में, हमने देखी उसकी सिस्टमेटिक पोजिशन, उसका थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, और आज हम लोग लेंगे रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। तो देखो बेटा, नॉस्टॉक में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली किस तरह का होता है? वेजिटेटिव। और क्या चीज एब्सेंट होती है इसमें? एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है वो इसमें नहीं होता। अब हम ये देखेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का इसमें कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि फ्रेगमेंट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब आप कहोगे कि ये कैसे बनते हैं फ्रेगमेंट्स? तो बेटा ये देखो कि जब हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है नॉस्टॉक का, इस तरीके का। इस तरह का डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था और वहां ये बताया था कि इसमें क्या होती है, ये सारी सेल्स होती है, इसके चारों तरफ क्या होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, ये दोनों तरफ होती है, ये इधर भी और इधर भी, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये है एक पर्टिकुलर सेल। अब मान लीजिए हमें ये पता है कि जो एल्गी है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कहाँ मिलती है? वॉटर में मिलती है। तो अब सपोज आप किसी पॉन्ड के किनारे पे बैठे हुए हैं और उसमें ये नॉस्टॉक एल्गी ग्रो कर रही है, आपने उस पॉन्ड में इस तरीके से हाथ हिलाया तो, और उसमें नॉस्टॉक एल्गी है, तो ये नॉस्टॉक एल्गी क्या हो जाएगा? ये पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये एक पार्ट बन गया, ये दूसरा पार्ट बन गया, ये तीसरा पार्ट बन गया, यानी ये क्या बन गए? ये बन गए फ्रेगमेंट्स। और हर फ्रेगमेंट फिर डिवाइड करेगा और क्या बना देगा? नया फिलामेंट बना देगा। और उस फिलामेंट को हम क्या कह रहे थे? ट्राइकोम। तो अब ये जो हमारा हाथ हिलाना हुआ, या फिर सपोज मान लीजिए कि उस पॉन्ड में कई फिशेस भी हैं, कई एनिमल्स भी हैं, वो एनिमल्स यहां से निकले और इस नॉस्टॉक को उन्होंने क्या करा? तोड़ दिया। तो ये नॉस्टॉक जो है वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स। और फिर हर पार्ट, हर फ्रेगमेंट डिवाइड करेगा और क्या बनानेगा? नया फिलामेंट, जिसको हम ट्राइकोम कह देंगे। तो इन सब चीजों को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी। अब एग्जाम में अगर आ गया तो हमें क्या लिखना है ये देखो। सबसे पहले आप देखेंगे कि देयर आर वेरियस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक। मोस्ट ऑफ द केसेस द रिप्रोडक्शन इज ऑफ वेजिटेटिव टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीटली एब्सेंट। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक इज फ्रेगमेंटेशन। देन फिर आप फ्रेगमेंटेशन की डिटेल लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फ्रेगमेंटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स इन दिस केस ड्यू टू एनी मैकेनिकल इंजरी और फिजियोलॉजिकल फैक्टर द फिलामेंट ऑफ द नॉस्टॉक या और द थैलस और द ट्राइकोम ऑफ द नॉस्टॉक डिवाइड्स इनटू पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स रिपीटेडली डिवाइड एंड गिव राइज टू अ न्यू फिलामेंट एंड दिस फिलामेंट इज नोन एज ट्राइकोम। ये चीज आप लिख कर आएंगे किसमें? फ्रेगमेंटेशन के केस में। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि किस तरीके से नॉस्टॉक में रिप्रोडक्शन होता है। आप लोगों को पता है जब मैंने ये नॉस्टॉक का थैलस स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि इस नॉस्टॉक में कुछ जगहों पर इसके ट्राइकोम में एक स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस तरीके का। नाम आपको याद आ गया होगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये नाम आपको सच में याद आया और इसको हम क्या कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को और इसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीट थी जिसको आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। इन सब में कंटेंट होता है, ये सारा कंटेंट होता है ना। अब क्या होगा बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर है जो क्या काम करती है? ये करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अब आपको याद आ गया होगा ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? हेटेरोसिस्ट। तो इस हेटेरोसिस्ट के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? समझते हैं। जैसे ये हेटरोसिस्ट है, ये देखिए, ये मैंने अलग से इस वाली सेल को, ये वाली जो सेल है इसको अलग से करके बनाया है। ये देखो, ये मैंने बनाई हेटरोसिस्ट, ठीक है बेटा। अब ये हेटरोसिस्ट क्या होगी? इस हेटरोसिस्ट की सेल में डिवीजन होगा, ठीक है। डिवीजन हुआ और डिवीजन होके क्या होगा? ये दो सेल बन जाएंगी, एक ये सेल और एक ये सेल।
दो सेल बन गई, इसमें क्या हुआ एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन से क्या होगा बेटा दो सेल बन गई। उसके बाद क्या होगा ये वाली जो दो सेल है इनमें वापिस से डिवीजन होगा और टोटल कितनी बन जाएंगी फोर सेल। जैसे ही ये फोर सेल स्टेज आती है, इस फोर सेल स्टेज में क्या होगा ये इस स्टेज में ये जो वॉल है सेल की ये रप्चर हो जाएगी। इस फोर सेल फिलामेंट को हम क्या कह देंगे जर्मलिंग। और फिर ये इस स्टेज में फोर सेल स्टेज में ये सेल वॉल रप्चर कर जाएगी हेट्रोसिस्ट की और ये फिलामेंट बाहर आ जाएगा और डिवाइड करके क्या बना देगा नया ट्राइकोम या नया फिलामेंट बना देगा। तो हमें लिखना क्या है मतलब हमारा हेडिंग क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन, जैसे फर्स्ट में हमने लिखा था, फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा था फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे रिप्रोडक्शन बाय हेटरोसिस्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या लिखेंगे कि हेट्रोसिस्ट हम मैटर क्या लिखेंगे ये ध्यान दो कि हेट्रोसिस्ट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक, इट इज अ वेजिटेटिव मेथड। इन दिस केस द हेट्रोसिस्ट ऑफ द सेल देयर इज अ ट्रांसवर्स डिवीजन एंड सो द सेल इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, आफ्टर सम टाइम देयर इज अनदर डिवीजन सो दैट फोर सेल्ड जर्मलिंग इज फॉर्म। व्हेन फोर सेल जर्मलिंग इज फॉर्म द वॉल ऑफ द हेट्रोसिस्ट रप्चर and divide again and give rise to a new filament which is known as trichome of the nostoc। ये बेटा हुआ किसका heterocyst के थ्रू reproduction। अब हम तीसरा method देखेंगे कि तीसरा किस तरीके से nostoc में और reproduction होता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, तीसरा जो method हम लिखेंगे वो होगा by akinate। क्या होता है बेटा कई बार कि ये जैसे मैंने आपको आपके सामने नोस्टॉक का फिलामेंट ड्रॉ कर रखा है जिसको हम ट्राइकोम कह रहे हैं, कई बार क्या होता है बच्चों कि इसकी कुछ सेल्स जो है इस ट्राइकोम की कुछ सेल्स हैं उन सेल्स की सेल वॉल जो है वो थिक हो जाती है। सपोज ये जो मैं ब्लू कलर के मार्कर से कर रही हूं ये जो वॉल है इसकी थिक हो गई। थिक कब हो जाती है इसकी वॉल अनफेवरेबल कंडीशन में। अब आप कहोगे कि मैम अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बेटा कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड है। दोनों ही केसेस में जो सेल की सेल वॉल है, कौन सी सेल की नोस्टॉक के फिलामेंट की कुछ वेजिटेटिव सेल्स की सेल वॉल जो है बहुत ज्यादा थिक हो जाती है। क्यों हो जाती है थिक, क्योंकि ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं क्या फूड, क्यों कर लेते हैं फूड स्टोर, ताकि ये उन अनफेवरेबल कंडीशंस को ओवरकम कर सके, उनसे बच सके, उनसे रेजिस्ट कर सके। ऐसे कंडीशन में अब हम इन सेल्स को क्या नाम देते हैं, अकाइनेट या फिर आर्थोस्पोर या फिर एक नाम हम इसको और देंगे रेस्टिंग स्पोर। ठीक है, यानी अकाइनेट बोलो आर्थोस्पोर बोलो या रेस्टिंग स्पोर बोलो एक ही बात है, कब बनेंगे अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है, हाई टेम्परेचर और बहुत ज्यादा कोल्ड। अब क्या होगा कि इस समय पर ये इनएक्टिव रहते हैं, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होके क्या करेगा इस वॉल को रप्चर कर देगा, बाहर आएगा डिवाइड करेगा और नया फिलामेंट बना देगा। तो हमें लिखना क्या है दैट द थर्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक इज अकाइनेट। अकाइनेट्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्थोस्पोर और रेस्टिंग स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन। इन अनफेवरेबल कंडीशन वी इंक्लूड हाई टेम्परेचर एंड कोल्ड। एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन द वॉल ऑफ द अकाइनेट्स बिकम थिक, इट स्टोर्स फूड। When the favorable या or the onset of the favorable condition, the protoplast of the vegetative cell or the arthrospore become active, the wall rupture and the component of the protoplasm divide again and give rise to new trichome। अब भाई हिंदी मीडियम के अगर कोई बच्चे हैं तो वो क्या लिखेंगे कि
रिप्रोडक्शन का या जनन का एक क्या तरीका है नॉस्टॉक में, अकाइनिड्स के द्वारा। इन टर्मिनोलॉजी प्लीज आप लोग इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि हिंदी में बहुत परेशानी आती है। इसीलिए अगर आप टर्मिनोलॉजी को जितना आप इंग्लिश में लिखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, कि नॉस्टॉक में जनन अकाइनिड्स के द्वारा होता है। इन अकाइनिड्स को आर्थोस्पोर या रेस्टिंग स्पोर भी कहते हैं, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से अर्थ है हाई टेम्परेचर, यानी कि बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर ज्यादा है या बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, ऐसी परिस्थितियों में नॉस्टॉक की कुछ सेल्स जो है उनकी भित्ति मोटी हो जाती है और ये अपने अंदर फूड को, भोजन का संचय कर लेती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तब इनका जीव द्रव्य एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और इनकी वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, यानी फट जाती है। फिर ये जीव द्रव्य बाहर आकर के वापस से डिवाइड करेगा और डिवाइड करके नया ट्राइकोम बना लेगा। तो अब तक हमने बेटा कौन कौन से मेथड देखे? अब तक हम लोगों ने देखा एक तो फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हमने देखा कि हेट्रोसिस्ट द्वारा किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है, और तीसरा हमने देखा अकाइनिड। अब इसमें एक मेथड और है, और वो मेथड है एंडोस्पोर के द्वारा। मैं यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ और आप लोग इसका रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन कर लो अच्छे से, और जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है बाय एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर कहाँ फॉर्म होते हैं? ये एंडोस्पोर भी बेटा किसमें फॉर्म होंगे? ये एंडोस्पोर भी हेटेरोसिस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल होती है, उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर, जिसको कि हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। अब इस हेटेरोसिस्ट में जितना भी कंटेंट है वो प्रोटोप्लाज्म छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और इन छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह देंगे? एंडोस्पोर। और ये एंडोस्पोर बाहर आएंगे, इसकी वॉल रप्चर होगी, ये बाहर आएंगे एंडोस्पोर और डिवाइड करके नया फिलामेंट बना लेंगे। अब डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर एंड अकाइनेट। एंडोस्पोर जो होते हैं बेटा वो हमेशा कैसे होते हैं? थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि अकाइनेट जो होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और लास्ट जो हमारा मेथड आता है वो आता है बाई हार्मोगोनिया। ये हमारा लास्ट मेथड है, इस मेथड के बाद हमारा आज जो नॉस्टॉक वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट मेथड आया बाई हार्मोगोनिया। अब आप कहेंगे हार्मोगोनिया क्या होता है? आप ये ध्यान दीजिए कि ये जब भी मैंने अभी कई बार मैंने ये फिलामेंट बनाया है, ये ट्राइकोम बनाया है, और ये चारों तरफ इसकी म्यूसिलेजिनस शीट है, ये सेल्स हैं, सारी सेल्स एक सी होती हैं, और इसमें कहीं कहीं क्या मिलती है अपने को? हेटरोसिस्ट मिलती है। ये हेटरोसिस्ट किस तरह की होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। अगर ये किसी ट्राइकोम के बीच में मिल रही है तो हम इसको क्या कह देंगे बेटा? तो हम इसको कह देंगे इंटर गैलरी, और अगर ये टर्मिनल पोजिशन में मिल रही है तो हम इसको क्या कह देंगे? टर्मिनल। अब क्या होता है कि ये जो हार्मोगोनिया बनता है, ये हार्मोगोनिया वेजिटेटिव सेल्स के, ये सेल्स क्या है? ये जो सेल है, ये सेल, ये सब क्या है बेटा? वेजिटेटिव सेल। इन वेजिटेटिव सेल्स की डिसइंटीग्रेशन के वजह से बनता है। अब आप मुझसे, जिससे कि ये पूरा फिलामेंट है पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और फिर ये क्या करता है? नया फिलामेंट बना लेता है। अब आप मुझसे कहोगे कि मैम अभी तो आपने फ्रेगमेंटेशन में बताया था कि उसमें भी ये जो फिलामेंट है पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आप इसमें भी कह रहे हो कि इसमें भी फिलामेंट्स पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? बेटा अंतर ये हुआ कि इसमें जो फिलामेंट डिवाइड होगा वो कहां से होगा? वो हेटरोसिस्ट के पास वाली सेल से डिवाइड होगा। अब हेटरोसिस्ट के पास वाली सेल ये भी है और ये भी है, तो या तो इधर से रप्चर हो जाएगा, इसी तरीके से ये वाली हेटरोसिस्ट है तो इसके पास वाली सेल ये वाली भी है और इसके पास वाली सेल ये वाली भी है, तो यहां से रप्चर हो गया। यानी हेटरोसिस्ट के पास वाली सेल से क्या चीज डिवाइड हो जाएगी? फिलामेंट डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेपरेट हो गया, इस पोर्शन को हम क्या कह देंगे? हार्मोगोनिया। इसमें रिपीटेडली डिवीजन होंगे जिससे कि क्या बन जाएगा? नया ट्राइकोम बन जाएगा। तो यानी फ्रेगमेंटेशन में तो क्या था, कहीं से भी जो पूरा का पूरा फिलामेंट है डिवाइड हो सकता था, लेकिन हार्मोगोनिया के केस में क्या होगा कि हेटरोसिस्ट के पास वाली सेल से डिवीजन होगा, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू हार्मोगोनिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये डिवाइड करके नया का नया फिलामेंट बना देगा। कई बार ऐसा होता है कि ये इस म्यूसिलेजिनस जो वॉल है, इस म्यूसिलेजिनस वॉल के अंदर ही इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है, तो इसी के अंदर पूरा का पूरा ट्राइकोम बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये वाला जो पोर्शन है इस म्यूसिलेजिनस लेयर से बाहर आ जाता है,
ये बाहर आ जाता है और फिर इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होके ये क्या करते हैं नया ट्राइकोण बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कुल मिला के 5 तरीके देखे नौ स्टॉक में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट ही होता है, कौन कौन सा? फ्रेगमेंटेशन, बाय हार्मोगोनिया, बाय एकाइनेट्स, बाय हेट्रोसिस्ट और बाय एंडोस्पोर। तो आज के लिए इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं नौ स्टॉक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं आरयू में उसको आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन अब जाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।